नैना 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 जी बाबूजी। कहाँ सुन रहे हैं? कहाँ सुन रहे हैं बाबूजी? यही तो हम पूछ रहे हैं कि क्या हो रहा है सब, क्या हो रहा है सब। हम कुछ समझे नहीं बाबूजी। समझे नहीं का मतलब समझ में नहीं आ रहा है तुमको? भैया हम समझाते हैं। ये जितना भोली बनने का नाटक कर रही हो ना, उतना भोली तुम हो नहीं। अरे आगे यहां से। हम पूछते हैं तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमसे बगैर पूछे बाहर गाने गाने का फैसला लेने का? अरे जिसमें संस्कार होगा वो ना पूछेगा चाचा जी। लेकिन इसमें ना तो लाज है, ना लिहाज है, ना संस्कार है। ये पूछेगी कभी? अरे काहे पूछेगी? अरे जिसको लोक लज्जा का ख्याल होगा उन्हें नाचने गाने में शर्माएगी। इसका तो यही है, हाय हुल्ला पीठ खुल्ला। संगीता हमारा फैसला सुनो। सुन लो और आज के बाद ये बात को अच्छे तरीके से गठिया लो कि आज के बाद अब तुम गाना नहीं गाओ। और ये फैसला भैया का है। चलिए भैया। बाबूजी हम आप सभी से माफी मांग रहे हैं। आप लोग बड़ा है, श्रेष्ठ है, लेकिन आप सबका ये बात हम नहीं मान सकते। हम उन लोगों को हाँ कर दिए और अब जब हाँ कर दिए तो अपना वचन से पीछे नहीं हट सकते। कम नहीं हुआ। अरे जॉन ना देखा बन, वो देख लिया वृंदावन। अरे कल तक जिसको मोहल्ला नहीं जानता था आज उसको दुनिया जहान जान गया। अरे वो तो बोलवा ही करेगी ना। बहू बहुत हो गया,
भाई साहब, छोटा मुंह और बड़ी बात, लेकिन बहू जो कह रही है एकदम सही कह रही है। अरे जब ये आई थी तो इसके मुंह में तो जवाने नहीं थी, अब देखिए मुंह खोला तो सीधे डंक मार लिया। और डसा भी तो किसको, महान संगीतकार पंडित कृपा जी को? ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा भाई साहब। ये कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हे दया बाबू, अरे कुछ बोलिए मर्दवा। दूल्हा जी, सुमरक को ये पता नहीं है कि उसको इस जवाब का कितना महंगा कीमत चुकाना पड़ेगा। कितना महंगा, कितना महंगा। भैया, अभी भविष्य का बात लेकर के बतियाने का समय नहीं है। अरे वर्तमान के बारे में सोचिए कि इसको रोका कैसे जाए, कहीं इस घर के इज्जत का बखिया ना उखड़े। अरे आगे चलकर ये लड़की गा बजा करके हम लोगों के मुंह पे काले खलम पोत दे। रास्ता निकलेगा उसको रोकने का, रास्ता निकलेगा। तुम लोग घबराओ मत। ये हम अच्छा नहीं किए। हमको चाचा जी को जवाब नहीं देना चाहिए था। गलती कर दी, बहुत ही बड़ा गलती। दुल्हन बुआ जी बैठिए। अरे रो का ही रही हो बुआ जी, आज हमसे बहुत ही बड़ा पाप हो गया। हम चाचा जी को जवाब दे दिए। बुद्धू कहीं की, इसको जवाब देना कहते हैं? अरे तुमने तो अपने मन का भाव रखा, अपने दिल का भाव बताया, और किसी के सामने अपने मन का भाव रखना ना तो पाप होता है और ना अपराध। हाँ समझे? नहीं बुआ जी, हम जो तरीका से उसे बात किए ना, वो एकदम ही गलत था। हमको उनसे ऐसे नहीं बात करना चाहिए था। हम गलत किए हैं। अच्छा ठीक है, अब समझो कि तुमसे तो गलती हो ही गया, तो अब चिंता काहे कर रही हो? अरे जो होगा सो वो भी अच्छा होगा, जो आगे होगा वो भी अच्छे के लिए होगा। अब अपने आप को दुखी करने से क्या फायदा है हुँ? और ऐसे भी हम सब तुम्हारे साथ हैं, तुम्हारे माँ बाबूजी, भाई बहन, हाँ पुनीत, और तो और तुम्हारे मामा भी है। और देखना नैना, एक दिन ये सब भी तुम्हारे पक्ष में होंगे। पगली कहीं की, खा मखा तो सोच के अपनी तबीयत खराब कर रही है। बुआ जी आप सच में बहुत ही अच्छी हैं, हमारा मन का बोझ हल्का कर दी। ये तो समय बताएगा नैना रानी कि हम बोझ हल्का कर रहे हैं कि बोझ बढ़ा रहे हैं। आप लोग अभी तक जाग रहे हैं? सॉरी नहीं बेटा, हम आपका ही इंतजार कर रहे थे। हमारा? हाँ। कोई खास वजह? हाँ, आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। कहिए। बेटा हम ये जानना चाहते हैं कि ये नैना क्या कर रही है और क्यों कर रही है। क्या किया है नैना? बेटा इस तरह बाहर अब नैना को गाना वगैरह गाना क्या शोभा देता है? और जब
आपके चाचा जी ने उसे गाना गाने से मना कर दिया तो नैना ने साफ इनकार कर दिया। बड़े दुख की बात है बेटा, हमारे दो दो बेटे हैं, दो दो बेटों की महतारी है, लेकिन आज तक आपके चाचा जी को हमने कभी जवाब नहीं दिया। और वो कल की आई हुई बहुरिया इन्हें जवाब दे रही है। ना भौजी ना, वो हमारी बच्ची है, उसके इस जवाब का हमको बुरा नहीं लगा, लेकिन दुख इस बात का है बेटा कि उसको इस घर के मान प्रतिष्ठा इज्जत का कोई ख्याल ही नहीं है। उनको ये पता ही नहीं है कि वो एक लालगंज के मामूली से घर की बेटी नहीं है, वो कृपा शंकर जी की बहू है। उनको बाहर प्रोग्राम में ले जाना बंद करिए बेटा, ये शोभा नहीं देता है। आप समझदार हैं, समझिए हमारी बात को और हमारा साथ दीजिए आप। सॉरी चाचा जी, हम इस मामले में आप लोगों का साथ नहीं दे सकते, क्योंकि नैना जो भी कर रही है वो गलत नहीं कर रही, एकदम सही कर रही है। शाबाश, बहुत बहुत धन्यवाद बेटा। आज भले ही आप हमारी बात को नहीं समझ रहे हैं, लेकिन लेकिन एक ना एक दिन तो समझोगे बेटा, समझोगे, बहुत पछताओगे, सिर धुनोगे, जब ये वक्त जो है ना आपके हाथ से ये रेत की तरह फिसल जाएगा तब। समझ लीजिए जब आपने देखा। वैसे आप ही मामी को याद कर रहे थे सच में। जहां तक हमारा ख्याल है आज सूरज कहीं पश्चिम से तो नहीं उगा था ना। का मतलब? वो इसलिए कि जो काम हर रोज हम किया करते आज वो काम आपने कर दिया है। अब हमें याद करना पड़ेगा कि आज सुबह हम किसका मुंह देखकर उठे थे। मजाक मत कीजिए। वैसे आपको पता है आज क्या हुआ? हमें सब पता है। पता है, पर आप तो अभी अभी आए हैं। और यहाँ आने के लिए नीचे से होकर आना पड़ता है, और नीचे घर के बाकी लोग भी रहते हैं। पता चल गया, आते ही चाचा जी ने हमें सब कुछ बता दिया। हम आपसे एक और बात पूछनी है, आप हमसे नाराज तो नहीं है ना? सच? मुझे पता है आज क्या हुआ ना, कि आप वहां नहीं थे तब हमको समझ में नहीं आ रहा था कि हम क्या करें, ऐसे वो गलती हो गया। आपसे कोई गलती नहीं हुई है और हम आपके हर फैसले में आपके साथ हैं। आप जानते हैं हम बहुत खुश नसीब हैं कि हमको आपके जैसा जीवन साथी मिला है, और भगवान से यही प्रार्थना करते हैं कि हर जन्म में हमें सिर्फ और सिर्फ नैना मिले। वाह वाह, ये
हुई न बात आज तुमने साबित कर दिया कि औरत चाहे कितनी भी सीधी काहे नहीं हो, तू जब टसने भी आती है अपने सपेरे को भी नहीं छोड़ती। चल बेटा भास्कर निकल ले। नीलू, ए नीले, भोला, चलो देरी हो रहा है। जय माँ। मामा जी आरती। हाँ। सुबह सुबह इतना तैयारी में कहीं जा रहे हैं का? हाँ बेटा, आज हम जा रहे हैं। ओ, बाकी आप तो कुछ और दिन रुकने वाले थे मामा जी। रुकने वाले थे लेकिन घर के हालात के कारण और रुकने से लाचार हैं बेटा। तुम चिंता मत करो, हम आएंगे, बल्कि आते जाते रहेंगे। एक बात कहें बेटा। जी मामा जी, कहिए ना। आज तुम्हारा हिम्मत देख के हम बहुत खुश हैं। आज तूने ये साबित कर दिया कि हमारी भगनिया हर लड़ाई लड़ सकती है। बाकी मामा जी, कैसे लड़ाई और कैसा हिम्मत? वही जो तूने गाना गाने का फैसला किया, सबके मुंह कैसे ठुसला गया। आज तूने जिंदगी में पहली बार सही वक्त पे सही फैसला किया है। अब तो हम लंका के चोट पे कह सकते हैं कि हमारी भगनिया को बड़ा सिंगर बनने से ब्रह्मा का बाप भी नहीं रोक सकता है। हमारा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। तुम यहाँ रहो, चाहे जहानाबाद रहो, खुश रहो बेटा, खुश रहो। अब बाकी नीलू, नीलू और भोला का है मामा जी? आ रहे हैं। नीलू, ए भोला, जल्दी आओ। कहाँ था रे तुम लोग? अरे दीदी को पना। खुश रहो। कहाँ था तुम लोग? चलो प्रसादी दे। प्रणाम संतन जी। आरती, सदा सुहागिन रहो, खुश रहो, दूधो नहाओ भूतो फलो, और जल्दी से बाल गोपाल दो खिलाने को। कैसे ना तुम लोग? बहुत बढ़िया। ए नैना, तो देर हो रहा है। अरे चले। अच्छा चाची जी, तनी मामा जी को और बचवा सबको घर तक गाड़ी से छुड़वा दीजिए ना। ठीक है ठीक है। तो अपना ख्याल रखना। आप भी अपना ख्याल रखना। ठीक से रहना घर जाके। हाँ दीदी। दीदी से लड़ना मत। आ जाओ सब, आ जाओ जल्दी। मत रो। अच्छा सुनो, घर जाके खूब बढ़िया से पढ़ाई करना। हाँ, और अपना ख्याल रखना। आओ चलो चलो।